गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है। हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, तो देर आर थ्री एज ऑफ हैप्पीनेस, थ्री एज ऑफ हैप्पीनेस। पहला ए है एक्सेप्टेंस। हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस आप लोग सब समझते हैं, स्वीकार भाव। जैसे आपको दृष्टांत सुनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा स्वीकार भाव क्या होता है। एक बार एक व्यक्ति जो है गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे मंत्र दे दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं सब ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे मंत्र दे दीजिए। गुरुजी कहते हैं सब ठीक है। बैठा रहता है, उसकी समझ में नहीं आता कि मैं गुरुजी से मंत्र मांग रहा हूँ, कह रहे हैं सब ठीक है। फिर पूछता है, गुरुजी मुझे मंत्र दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, मैंने 3 बार तुम्हें मंत्र दिया, सब ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आया। बोले यही मंत्र है, सब ठीक है। तो हमारे जीवन में जो चीज़ है, हमको जो मिली है, जो जैसा है, वो सब एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है, सब ठीक है। पर क्या हमें सब ठीक लगता है? पहले हम अपने आप को देखें, क्या मैं अपने आप से प्रसन्न हूँ? जैसी भगवान ने मुझे शक्ल दी है, जैसी अकल दी है, जैसी हाइट दी है, जैसा कलर दिया है, जैसे भगवान ने हमारी फिजिकल बॉडी बनाई है, हम लोग उससे खुश हैं? थोड़े से गोरे और होते हैं, थोड़े नाटे ज़्यादा है, थोड़े लंबे और होते, थोड़े बाल कम है, ज़रा थोड़े ज़्यादा होते। कोई है जो कह सकता है कि यस मैं जैसा हूँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ? तो हम अपने आप से प्रसन्न नहीं होते हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता। तो गुरु कहते हैं एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। वाई? बिकॉज गॉड हैज़ मेड यू यूनिक एंड स्पेशल। आप सब यूनिक और स्पेशल हैं और भगवान ने आपको जैसा बनाया बहुत अच्छे। अगर आप एक बगीचे में जाएं और सारे फूल एक से हों, कैसा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। अलग अलग तरह के फूल होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो हम भी सब भगवान के बगीचे के फूल हैं। तो भगवान ने हर एक को डिफरेंट बनाया और आपके अंदर क्या है उससे आप सुंदर हैं। आपकी शक्ल कैसी है, आपकी हाइट कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी आँख कैसी है, आपकी स्किन कलर कैसा है, इससे आप सुंदर नहीं हैं। आपका दिल सुंदर है तो आप सुंदर, आपका मन सुंदर है तो आप सुंदर, आप देखने में सुंदर हैं तो आप सुंदर हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बाहर की सुंदरता तो बहुत लोगों के पास होती है, पर क्या वो खुश रख पाते हैं? तो गुरु कहते हैं ये तो हुआ एक्सेप्टेंस ऑफ आवर सेल्फ। फिर हमारे जो चारों तरफ लोग हैं, हम उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं? हमारे पति, हमारे पति हमको पसंद है? अगर किसी के काले हैं तो गोरे होते, किसी के नाटे हैं तो लंबे होते, कितनी इच्छाएं होती है मन में। तो जो हमें भगवान ने दिया है वो भगवान ने हमें बहुत अच्छा दिया। बच्चे जैसे मिले हैं, बच्चे तो फिर भी पसंद होते हैं, उनसे मोह होता है ना, आज्ञाकारी नहीं है, कहना नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं। एक बार एक लेडी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और अपने लड़के की इतनी शिकायत करती है, इतनी शिकायत करती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उसकी शिकायत करते करते उसको खांसी आने लगती है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास पानी रखा होता है, तो उसका बेटा उसकी तरफ पानी को खिसका देता है। तो साइकोलॉजिस्ट देख रहा होता है तो कहता है कि आप इतनी बुराई इसकी कर रही हैं, इसमें कोई अच्छा ही नहीं है। तो कहती, नहीं इसमें कोई अच्छा ही नहीं। तो कहते हैं, देखिए इतनी देर से आप बोल रही हैं इसकी बुराई करें, पर ये चुप बैठा है और आपको ज़रा खांसी आई तो इसने पानी आपकी तरफ खिसका दिया। इसके अंदर प्रेम है, पर दोष है तेरी दृष्टि में, जगत निहारता समता का वचन डाल दे, बस हो गया भजन। कोई बुरा नहीं है, हमारी दृष्टि में दोष है, हमारे प्रेम में कमी है। बच्चे भी अच्छे हैं, पति भी अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। आप सब जैसे भी हैं
बहुत अच्छे, फिर हमें अपना घर पसंद नहीं आता, बड़ा किसी का घर देखा है, बड़ी गाड़ी देखा है, तो हम एकदम डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, एकदम मन में कंपैरिजन आने लगता है। तो गुरु कहते हैं जो भगवान ने दिया है, जैसा दिया है खुश रहो, खुशी होती है मन से। तो हमको जो मिला है, जैसा मिला है, बी हैप्पी, एक्सेप्ट। फिर हर एक कोई अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं होता, जेंट्स बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि जो बिजनेस मिला है, जो सर्विस मिली है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, बी सेटिस्फाइड, बी हैप्पी। पुरानी कहावत थी, थोड़ा लत सवेरे आ, मतलब काम करिए और भजन करिए। खाली कमाना 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 कमाना, बोला क्या आदमी बैल है? पूरी जिंदगी कमाता ही रहता है, कमाता ही रहता है, कमाता ही रहता है, अनंत में मर के चला जाता है, क्या यही जीवन है? पैसा जितना मिला, आई एम सेटिस्फाइड। रिलेटिव जैसे मिले, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। घर जैसा मिला है, मैं खुश हूँ। हर चीज़ से आप खुश रहिए। तो गुरु ने कहा एक्सेप्ट एवरी थिंग एंड एवरी वन एज इट इज, सब चीज़ को स्वीकार करिए। धीरे धीरे गुरु की कृपा से होता चला जाता है। हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए। संतों के पास क्या होता है, आप संतों के पास जाइए, एक फटी सी गुदड़ी होती है, एक टूटा सा घड़ा होता है, उनके पास तो कुछ नहीं होता, फिर वो कितने प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गुरु कहते हैं जहाँ पर तुम हो, तुम खुश रहो। फिर पहला ए हुआ एक्सेप्टेंस, दूसरा ए हुआ अफेक्शन, प्रेम। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, लव इज लाइफ एंड लाइफ इज लव। बिना प्रेम के जिंदगी बेकार है। एक प्रेमी हृदय व्यक्ति जो होता है, वो सबके दिल में घर बना लेता है, सबको अपना बना लेता है। तो हम सबको जीवन में प्रेम चाहिए। आपको बहुत बड़े घर में रख दिया जाए, बहुत बड़ी गाड़ी में घुमाया जाए, पर प्रेम करने वाला कोई ना हो तो आप खुश रहेंगे। पर आपको सब कुछ साधारण हो, पर प्रेम हो, सब प्रेम करने वाले हो, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। तो गुरु कहते हैं तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हें प्रेम करने वाले हो, तुम प्रेम का सागर बनो, आगे बढ़कर तुम सबसे प्रेम करो। देखिए जब किसी की बर्थडे या एनिवर्सरी आती है, तो आदमी उस दिन सबसे ज़्यादा उदास होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कोई मुझे विश करे, और किसी को याद ही नहीं रहा। अब क्या होगा, अब मूड ऑफ हो जाए। तो गुरु क्या बताते हैं कि मूड ऑफ मत करो, बता दो सबको कि आज हमारी एनिवर्सरी है, हमारी बर्थडे है, आप लोग आइएगा, हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, आप सबको बुला लीजिए ना, क्यों अब एक्सपेक्ट करते हैं। तो जितनी इच्छा होगी आपको प्रेम मिलने की, उतना आप दुखी होंगे। और आपको कोई इच्छा ही नहीं, आप सबको प्रेम दे रहे हैं, आप सबको प्रेम दीजिए। गुरु कहते हैं प्रेम की चाहना मत करिए, प्रेम दीजिए, बी एन ओशन ऑफ लव। दोस्त थे कुछ, तो उनमें से एक दोस्त जो था वो सबके पैर छूता था, जिनके घर भी जाते थे सबके पैर छूता था। तो सब लोग उसका मजाक बनाते थे, सब बच्चे उसका मजाक बनाते थे, और कहते थे देखो ये बड़ा बनता है, सबके पैर छूता रहता है। पर सब लोग बड़े खुश होते थे, उसको आशीर्वाद देते थे। तो उनमें से एक दोस्त सोचता है कि आज मैं, वो दोस्त नहीं आया था जो सबके पैर छूता था, तो वो किसी मिलने वाले के जाता है, कहता है सबके पैर छूता है, आज मैं झुक के देखता हूँ। तो झुक के उसने वो जिन अंकल के आ गया था, उनके पैर छुए, तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत प्यार किया। तो बच्चा कहता है कि जो मैंने अकड़ के नहीं पाया, वो मैंने आज झुक कर पाया है। तो हम अकड़ के कुछ पाते हैं या झुक के कुछ पाते हैं? तो हम जीवन में जो भी कुछ पाते हैं वो झुक कर पाते हैं। हम अकड़ के रहना चाहते हैं। तो ये संस्कार डालें बच्चों के अंदर कि उठ के माता पिता के, दादा दादी के पैर छुए, प्रेम है। ये हमारे जीवन के संस्कार हैं, हमारे हिंदुस्तान के संस्कार हैं। हलो हाय हमारे संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार हैं राधे राधे, नमस्कार। नमस्कार का क्या मतलब होता है? तुम भी राम, मैं भी राम।
तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। राधे राधे का मतलब यहाँ भी राधे वहाँ भी राधे। तो हमारे संस्कार बहुत सुंदर है, हाय बाय हमारे संस्कार नहीं है। अब गुरु हमको बताते हैं कि होम इज द सेंटर ऑफ लव, इट इज नॉट द सर्कमफेरेंस ऑफ लव। जो घर है वो प्रेम का केंद्र है। एक बच्चा घर से ही प्रेम करना सीखता है। अगर उसको माता पिता ने प्रेम सिखाया होता है, माता पिता से रिस्पेक्ट करना सीखा होता है, तो जहाँ जाएगा वो प्रेमी बच्चा होगा। पर घर के दायरे तक ही नहीं रहना कि भाई मेरे माता पिता हैं, मैं हम दो बच्चे हैं, बस ये हमारा प्रेम का दायरा है। तो घर प्रेम का केंद्र तो है, वहाँ बच्चा प्रेम सीखता है। पर दायरा क्या है? दायरा है पूरा संसार, सबको प्रेम करो। दादा भगवान कहते हैं, गुरु हमारे कहते हैं, लव ऑल अलाइक, सबको प्रेम करो। तो बच्चे टिफिन ले जाते हैं तो मम्मी कहती है छिपा के खाना, किसी से शेयर मत करना। तो गुरु हमको बड़ा दिल बनाना सिखाते हैं। पहला ए हुआ एक्सेप्टेंस, दूसरा ए हुआ अफेक्शन, और तीसरा ए हुआ अचीवमेंट। तो विदाउट अचीवमेंट देर इज नो हैप्पीनेस इन लाइफ। अगर हमारी लाइफ में अचीवमेंट नहीं है तो हम खुश नहीं रहते। तो अचीवमेंट क्या है? तो कहा सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। मतलब क्या हुआ? देखिए, एक बच्चा ने 10th पास किया और उसके अच्छे नंबर आ गए, अब उसकी प्रोग्रेस ख़त्म। अब उसको 12th, फिर 12th के बाद फिर कोई लाइन, उसको आगे ही बढ़ते जाना है। तो ज़िंदगी में एक गोल के बाद दूसरा गोल, तीसरा गोल, चौथा गोल। लाइफ इज फुल ऑफ गोल्स। पर उन्होंने साथ में एक बात और कहा, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। अब हमारी लाइफ का वर्दी गोल क्या है? तो यहाँ पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है जीवन निर्माण और एक है जीवन निर्वाह। तो जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो हम पैसा कमाते हैं, ये है जीवन निर्वाह, और एक है जीवन निर्माण, वो है परमात्मा की प्राप्ति जो हम गुरु से सीखते हैं। तो अचीवमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोग्रेस, कंटिन्यूस लाइफ में आप सीखते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए। अगर आप भजन करते हैं तो भजन करते रहिए, राइज करते रहिए, आपके अंदर और नम्रता और प्रेम और शांति और आनंद और खुशी बढ़ती जानी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि लाइफ में मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, अंदर से मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ मुझे अच्छा इंसान बना दे। तो अपने से पूछिए, क्या मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ? मैंने इतना कुछ लाइफ में अचीव करा, मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी, एम आई सेटिस्फाइड? एक बार एक लड़का मछली पकड़ रहा था, तो उसके जाल में एक बड़ी सी मछली आ गई। बहुत देर तक बैठा रहा तो एक आदमी बोला, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ तू मछली पकड़ रहा है, तू कर क्या रहा है? बोला, बड़ी मछली आ गई, मुझे छोटी छोटी मछलियाँ चाहिए। बोला, छोटी छोटी मछलियाँ क्यों चाहिए? बोला, मेरी कढ़ाई छोटी है, मेरी कढ़ाई जो है वो छोटी है। तो बोला, कढ़ाई क्यों नहीं बड़ी करता है? तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ का गोल बड़ा नहीं करते। तो बड़े में बड़ा गोल है कि हम भगवान का आश्रय लें, भगवान से प्रेम करें, और सब में सबके लिए प्रेम का भाव रखें, शुद्ध भाव रखें, खुश रहें। भगवान ने कहा, प्रसन्नचित व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता। तो ये है अचीवमेंट। अचीवमेंट है हमारी लाइफ में, सबसे पहले गुरु जैसे कहते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी को छू लें। देखिए, बच्चों के अक्सर लोग अपने शोके से मेडल्स लगा देते हैं कि ये ट्रॉफी जीती बच्चों ने, ये ट्रॉफी जीती, ये ट्रॉफी जीती, ये मेडल मिला, ये मेडल मिला। तो कहा, ट्रॉफीज गैदर डस्ट, अप्लॉज डाइज अवे, बट वॉट रिमेन्स इज लव। पर तालियाँ फेड हो जाती हैं, ट्रॉफीज़ पे डस्ट जम जाती है, पर जीवन में क्या रह जाता है? प्रेम। आपने किसी की ज़िंदगी को छुआ,
आप किसी के काम आए, आपने किसी को खुशी दी, आपने किसी को प्रेम दिया, जब उसको ज़रूरत थी आप उसके काम आए, आपने उसको भगवान का नाम दिया। अभी एक सत्संगी हैं तो उन्होंने बताया कि हमारी जो मदर इन लॉ थी तो वो चल नहीं सकती थी, तो उनको मन हुआ वृंदावन घूमने का, तो उनको व्हील चेयर पर हमने वृंदावन घुमाया। फिर उन्होंने वहाँ राधे राधे सुना तो उन्होंने बस पकड़ लिया राधे राधे, तो कोई भी उनके पास आता था तो कहती थी राधे राधे। फिर वो कोई रिश्तेदार वगैरह आते थे तो एक ही शब्द वो बोलती थी राधे राधे, और अंत में वो राधे राधे बोलती ही गई। देखिए, अब आपने किसी को भगवान का नाम दे दिया, कितनी बड़ी चीज़ है। तो अचीवमेंट क्या है? सबको भगवान से जोड़ना, सबके जीवन में खुशी देना, सबको आगे बढ़ाना, सबको प्रेम देना, ये अचीवमेंट है। और ये हम ये नहीं कह रहे आपका घर अच्छा हो, आपकी गाड़ी अच्छी हो, आप पैसा कमाएं, वो ठीक है, आपको अच्छा लगता है वो भी करिए, पर साथ में ये भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु ने बताया कि वेन यू आर एट द टॉप यू आर लोनली, जो लोग जितनी टॉप पे होते हैं वो अकेले रह जाते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। और गुरु के परिवार में आपके साथ कितने लोग होते हैं? गुरु का परिवार कितना बड़ा परिवार होता है? कोई सुख दुख में कितने लोग आपके साथ होते हैं? कल गुरुजी वो स्टोरी सुना रहे थे कि एक माता पिता थे, तो उनके दो लड़के थे, बड़े वो गर्व से कहते थे हमारे दोनों लड़के विदेश में हैं, बड़े उससे कहते हैं ना हम लोग अहंकार से, विदेश में हैं। तो ऐसे उनके दोनों लड़के जो हैं वो विदेश चले गए थे। अब माता पिता रिटायर हो गए, तो उन्होंने कहा आप लोग भी विदेश आ जाइए। वो विदेश गए, उनका मन नहीं लगा। बोले बेटा तुम लोगों में से एक हमारे पास आ जाओ और एक वहीं रहो, वहाँ नौकरी देख लेना। बोले नहीं नहीं, अब हम इंडिया का क्लाइमेट हमें सूट नहीं करता, वहाँ का वातावरण हमें अच्छा नहीं लगता, अब हम वहाँ नहीं रह सकते। तो अब वो लोग क्या करते? खैर रहने लगे वहाँ, बुज़ुर्ग थे तो पत्नी को पैरालिसिस हो गया, तो सारी सेवा पति करते थे उनकी A to Z, सुबह से चाय देने से लेकर उनको नहलाना धुलाना सब कुछ पति करते थे। एक दिन सेवा करते करते उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका शरीर शांत हो गया। पत्नी वेट करने लगी, सुबह आएंगे मुझे चाय देंगे, देखा कि पति तो है ही नहीं, आए नहीं आज, तो उसको लगा कोई बात है। तो खैर वो कैसे ना कैसे खिचड़ती हुई बिस्तर से गिर के वो पति के पास क्रॉल करती हुई लुढ़कती लुढ़काती गई। तो उसने वो जोर जोर से हिला के देखा, उसको समझ में आया पति का तो शरीर शांत हो गया। अब वो तो चल नहीं सकती थी, वो तो पैरालिसिस थी, उसको क्या करे। तो कैसे घिसटते 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 वो लैंडलाइन फ़ोन के पास जाती है और पड़ोसियों को फ़ोन करती है कि मतलब बस यही कह पाती है, बोल नहीं पाती थी कि मेरे मतलब हमारी तबीयत ख़राब है। पड़ोस अब दरवाज़ा अंदर से बंद था, पड़ोसी दरवाज़ा तोड़ते हैं तो देखते हैं दोनों मरे पड़े। बच्चों को फ़ोन करते हैं, उनके फ़ोन नहीं मिलते। तो बोले पड़ोसियों ने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया, पर जिनके लिए उन्होंने जीवन दिया आज वो दोनों वहाँ नहीं थे। तो ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है। तो हम जब चाहते हैं हमारे बच्चे विदेश जाएं, पैसा कमाएं, बड़े आदमी बने, कितने लोग हैं और वो खुद अकेले रह जाते हैं, इसको आप अचीवमेंट कहेंगे? तो अचीवमेंट क्या है? विचार करें कि हमारे जीवन में खुद हम प्रेमी हों। बताया ना, जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय ऐश्वर्य धन संपत्ति सब आती है, खुद भी खुद खुश रहता है और सबकी सेवा करता है। ये 3 A's हमारी लाइफ में होने चाहिए, एक्सेप्टेंस, अचीवमेंट एंड अफेक्शन। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।